दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर योगेश सिंह, इस कार्यक्रम के जो एक संस्था है ग्रीन टेरे फाउंडेशन, उसके प्रमुख राजेंद्र शेंडे, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और 30 से ज्यादा विश्वविद्यालयों से आए हुए सभी साथियों, आपका बहुत स्वागत है। मैं अभी चुनाव के चलते तेलंगाना में हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाया। मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन अभी नॉमिनेशन और ये प्रक्रिया चल रही है। लेकिन आज का विषय महत्व का है, नेट जीरो यूनिवर्सिटी कैंपस, नेट जीरो कॉलेज कैंपस, इसके बहुत मायने हैं। लेकिन उसका कार्यक्रम जो है उसको बताने से पहले मुझे यह जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण, इस दोनों के बारे में बताने की जरूरत लगती है। जलवायु परिवर्तन जो हुआ है वो अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन के कारण हुआ है। प्रदूषण का एक कारण कार्बन उत्सर्जन है, लेकिन प्रदूषण के अनेक कारण होते हैं, जगह जगह भिन्न कारण होते हैं, लेकिन कार्बन उत्सर्जन उसका एक हिस्सा है। लेकिन दुनिया का, पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है और उसके कारण हम पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं कि बाढ़ अत्यधिक आ रहे, बादल फटते हैं, बाढ़ आती है, भूस्खलन बढ़ गया है, बर्फ पिघल रहा है, ये तो अपने आंखों के सामने हो रहा है। और जिस तरह से चक्रवात ज्यादा संख्या में हो रहे हैं, वी कैन से दैट द इरेटिक वेदर इवेंट्स आर बिकमिंग फेरोशियस एंड आर इंक्रीजिंग। इसका सबको परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए जलवायु परिवर्तन में पेरिस के समझौता, जब मैं उस विभाग का मंत्री था तो जो किया वो एक माइलस्टोन है। उसमें सभी देशों ने हम क्या एक्शन करेंगे ये लिख के दिया, यही समझौता था। लेकिन मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि जितना लिख के लोगों ने दिया नहीं किया अनेक देशों ने। आज G20 कंट्री में केवल भारत एक देश है कि जिसने जो कमिटमेंट की उससे भी ज्यादा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पर्यावरण पूरक जीवन शैली और पर्यावरण की एक समग्रता, ये उन्होंने बताई, वो भी पेरिस समझौते का हिस्सा बनी। और उन्होंने सोलर अलायंस का गठन किया, आज 100 से ज्यादा देश उसमें हैं। अलायंस फॉर डिजास्टर रेजिलियंस मैकेनिज्म, तो वो जो तैयार करना है CDRI, वो भी कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो भी तैयार हुआ। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को एक विश्वास है कि भारत की जीवन शैली पर्यावरण पूरक है, उसे हमें संभालना भी है और दुनिया को भी स्वीकार करने को लगाया। और इसके भी थोड़ा पीछे जाता हूं, ये जलवायु परिवर्तन हुआ क्यों?
300 साल पहले जिस तरह से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो कार्बन उत्सर्जन अत्यधिक बढ़ने लगा। कार्बन एटमॉस्फेयर में लगभग 100 साल रहता है, तो वो वहां तक पीड़ा देता है और इसके कारण आज पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ये कार्बन किसने उत्सर्जन किया? आज जो विकसित देश है वो कार्बन उत्सर्जन के कारण विकसित हुए हैं, समृद्ध हुए हैं। तो अमेरिका का 30% हिस्सा है, चाइना पिछले 40 साल में बहुत अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन हुआ तो उनका भी 30% हिस्सा है, यूरोप का भी 25% हिस्सा है, बाकी पूरे दुनिया का 15% हिस्सा है, भारत का तो 3% है। दुनिया की 17% आबादी हमारी है, दुनिया की 17% कैटल पॉपुलेशन भी हमारे यहां है, फिर भी हमारा उत्सर्जन हिस्टोरिकल ओनली 3% है और करंट उत्सर्जन भी देखे तो 7% है। आज भी अमेरिका, चाइना, यूरोप यही ज्यादा है, तो इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि वॉक द टॉक, जो कबूल किया वो करो और उससे भी ज्यादा करो। प्रधानमंत्री जी ने तो सोलर का पहले 100 गीगावाट का कहा तो हमें भी आश्चर्य लगा, लेकिन अब 500 गीगावाट की घोषणा है 2030 तक अचीव करने की और हमें पूरा विश्वास है कि हम करेंगे। तो बहुत सारे कदम भारत उठा रहा है। मेरे मन में जब मैं शिक्षा मंत्री था और पर्यावरण मंत्री भी था पहले, तो मैंने उस समय क्लीन कॉलेज कैंपस शुरू किया, कंपटीशन 30,000 कॉलेज उसमें भाग लेने लगे, 10,000 से ज्यादा कॉलेज भाग लेने लगे, फिर ग्रीन कैंपस शुरू किया उसमें भी हजारों कॉलेज और स्कूल्स ने भाग लिया, फिर उसके बाद स्मार्ट कैंपस का हमने शुरू किया और अब नेट जीरो की बात है। तो नेट जीरो क्या है? नेट जीरो है पानी बचाओ, पानी बढ़ाओ, बिजली बचाओ, बिजली बढ़ाओ, कार्बन उत्सर्जन कम करो और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या बाकी उपाय करो, ग्रीनरी बढ़ाओ। मुझे अगर पूछोगे कि कार्बन न्यूट्रल यूनिवर्सिटी या नेट जीरो यूनिवर्सिटी कैसे करना, तो उसकी यही चार मंत्र है। पानी बढ़ाओ, वाटर जहां जहां पॉसिबल है वहां गड्ढे खोदकर अच्छे तालाब करना, पानी का स्टोर करना और प्रोसेस करो, और जो प्रोसेस्ड वाटर है वो भी यूज करो ग्रीनिंग के लिए, और पानी की बचत करो, ये एक संस्कार है। बिजली का भी ऐसा ही है, बचत करो, बढ़ाओ और प्रोसेस करो, वेस्ट मैनेजमेंट अच्छी करो। तो ये सब करने का विधि ग्रीन टेरिफ फाउंडेशन ने भी उसमें कुछ टेक्नोलॉजी के एलिमेंट्स भी लाए हैं, वो दे रहे हैं। तो आज आप दिन भर चर्चा करोगे, मेरा आग्रह है कि सभी विश्वविद्यालय बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले और अपने अंदर जो कॉलेजेस है उनको भी सबको जागरूक करना चाहिए, उनके साथ भी इस तरह से डिस्कशन होना चाहिए, और ये हम करेंगे तभी दुनिया नेट जीरो की दिशा में बढ़ेगी। भारत ने 2070 का नारा दिया है और पूरा करेंगे जल्दी ही, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम ये ग्रीन कैंपस करने का नहीं, ये जो नेट जीरो कैंपस का फायदा ऐसा है कि 3 करोड़ छात्र कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, उनके मन में संस्कार होगा, वो संस्कार अगली पीढ़ियों में जाता है। तो टेक्स्ट भी ये होने चाहिए, लेकिन ये जो मैंने बताया इसी क्रम में होना चाहिए कि भाई भारत इस समस्या को जिम्मेवार नहीं है, फिर भी एक जिम्मेदार नेशन के तहत हम काम कर रहे हैं और सारे दुनिया ने करना चाहिए, पैसे भी देने चाहिए अविकसित देशों को, वो नहीं दे रहे हैं। तो यही सारी मांगे हैं, आप चर्चा करें। आपके इस शिविर को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।